तेज रफ्तार का कहर लोगों की जिंदगानियां छीन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। जनपद बलरामपुर में रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर उतरौला मार्ग स्थित गाबिलपुर देवरिया विशंबरपुर गाँव के निकट हुई है। बताया जा रहा है कि देवरिया जिले के रहने वाले सोनू शाह अपनी कार से नैनीताल से अपने घर देवरिया जा रहे थे, तभी श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गाँव के पास अचानक किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कार की सीट पर खून ही खून बिखरा है। पुलिस ने कार में फंसे सभी लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोड पे विशंबरपुर गांव के पास में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में, जिसमें 6 लोग यात्रा कर रहे थे, उनके साथ ये दुर्घटना घटित हुई है। एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे जो उस क्षेत्र में गश्त पे सिपाही थे, उनको इस घटना की जब जानकारी हुई तो तत्काल उनके द्वारा श्रीदत्तगंज थाने को इन्फॉर्म किया गया और सभी लोगों को अस्पताल लाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये परिवार नैनीताल से अपने गांव देवरिया में आ रहे थे और बीच रास्ते में ये हादसा हुआ है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात वाहन जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसका पता लगाने के लिए जनपद स्तर पर 6 टीमें लगा दी गई हैं, जो CCTV कैमरा वगैरह चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ गाड़ियां जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो अगर उसमें भी कहीं क्षतिग्रस्त है तो उसके पता लगाने के लिए भी टीम। अज्ञात वाहन की तलाशी के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। घटना की जानकारी मिलते पर बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और मुख्यमंत्री से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। सदर के अंतर्गत उतरौला बलरामपुर मार्ग पर बजाज शुगर फैक्ट्री के पास एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जिसमें कुल 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है। मृतक के परिजनों को सूचना दिया गया, जिससे यह पता चला कि मृतक पारस शाह के बेटे और उनकी बहू और उनकी नातिन के रूप में है। अभी हमारी मृतक के पिता से बात हुई ना हुई है। मैं स्वयं मृतक के परिजनों के प्रति ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको इतनी बड़ी शक्ति भगवान दें इतने बड़े कष्ट को सहने के लिए, और मृतकों को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाशी में जुटी हुई है। CCTV की मदद से अज्ञात वाहन की तलाशी की जा रही है। परिवार में 6 लोगों की मौत हो जाने से मातम छा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।